19 का ये अंक 1 और 9 से मिलकर बना है। 1 यानी कि सूर्य, 9 यानी कि मंगल। सूर्य और मंगल दोनों के कॉम्बिनेशन से 10 नंबर, यानी कि फिर से सूर्य का उदय हुआ। न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन में से ये कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल और सबसे नंबर 1 माना जाता है। ये नंबर आपको राजा बनाता है। 19 का ये अंक चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपका लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ नंबर यानी कि अगर आपका जन्म 8/6/2003 में हुआ है तो आपका लाइफ पाथ नंबर हुआ बर्थ नंबर प्लस मंथ नंबर प्लस ईयर नंबर, यानी कि 8+6+2+3=19। ये 19 का अंक आपका डेस्टिनी नंबर भी कहलाता है। ईश्वर ने आपको इस 19 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया? 19 का ये अंक कार्मिक डेब्ट नंबर क्यों कहलाता है? पिछले पूर्व जन्म में जो ऋण आपका बाकी है और इस जन्म में इसे आपने पूरा करना है, वो ऋण क्या है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल बात करते हैं 19 के अंक वालों की कुछ गुण दिलचस्प बातें जो इन्हें दूसरे लोगों से अलग करती है, मूलांक 1 से भी अलग बनाती है। 19 के अंक वाले लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, माइंड में इनके क्लैरिटी होती है, लेकिन मंगल की प्रेजेंस के कारण ये इंपेशेंट भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं, ओवर बजटेड भी हो सकते हैं अपनी जल्दबाजी के कारण, अपनी अधीरता के कारण, लेकिन बाद में फिर ये पछताते भी हैं। होते बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर भी ये फिजिकल वर्क करना पसंद करते हैं सिर्फ और सिर्फ मंगल के कारण, जबकि सूर्य सिर्फ कमांड करना जानता है, वो खुद से फिजिकल वर्क नहीं करता, वो दूसरों से काम करवाता है। लेकिन यहाँ 19 के अंक वाले लोग अपना काम स्वयं करने में विश्वास रखते हैं, फिजिकल वर्क भी खुद करते हैं। 19 वाले लोग आजाद रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इनके मन में ये बात भरी होती है कि ये मेरा काम है, मुझे खुद करना है। बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, चतुराई नहीं होती इनके अंदर, मैनिपुलेट करने वाली कोई भी आदत इनमें देखी नहीं जाती। बात को ये घुमाकर नहीं बोलते, बिल्कुल साफ बोलते हैं। कोई बात अगर अच्छी लगती है तो अच्छा बोलेंगे, बुरी लगती है तो साफ मुंह पर बोल देते हैं बुरा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, ज्यादा सोचते नहीं है बिल्कुल भी बोलते समय। हाँ, इंपल्सिव होते हैं ये काफी, वैसे काफी क्रिएटिव माइंड के होते हैं। नंबर 1, 10 और 28 नंबर वाले लोगों से भी ज्यादा कंपैशनेट होते हैं ये काफी। जो मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं उनके कंपैरेटिवली इन लोगों में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर होती है, इनकी हेल्पिंग नेचर होती है, स्पेशली फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। ये लोग उनके लिए दौड़े चले जाते हैं उनकी मदद के लिए, और उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का जिम्मा भी ये अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए इनको अपने लवर्स के प्रति, अपने पार्टनर के लिए ये काफी पजेसिव हो जाते हैं, ओवर पजेसिव हो जाते हैं। इवन कई बार पार्टनर को ये स्पेस तक नहीं दे पाते अपनी ओवर पजेसिव नेचर के कारण, जिस कारण इनके रिलेशंस में नेगेटिविटी भी काफी ज्यादा आने लगती है। अदरवाइज दे आर वेरी लॉयल, वेरी कमिटेड पर्सन। ये लोग अपने पार्टनर की हर तरह की जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं, और उनसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना वो कर रहे हैं उनके लिए, उनका पार्टनर भी उनके लिए करें, उनके लिए सोचे। 19 के अंक वाले लोग अपने डिसीजंस को ही प्रायोरिटी देते हैं, अपनी थॉट्स को प्रायोरिटी देते हैं, अपने डिसीजंस के, अपने एक्शन के साथ ही ये आगे बढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इनको सामने से कोई लविंग, केयरिंग और इमोशनल पार्टनर मिलता है तो ये चांसेस भी हो सकते हैं कि इनके डिसीजन को बदला जा सके, वरना ये अपने डिसीजन को कभी बदलते नहीं है। अगर इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए तो ये आसानी से हो जाएंगे, कई बार आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। 19 अंक वालों, ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए आपको।
इस तरह के इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। ज्यादा बड़ा आप लोग सोचते नहीं है, ज्यादा बड़ा चाहते भी नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के पीछे भी आप लोग ज्यादा भागते नहीं है। शांत और एकांत जीवन जीना आप पसंद करते हैं, अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, खुद को स्टार मानते हैं, हमेशा नंबर वन पर बने रहना चाहते हैं। आपको आपकी इन्हीं आदतों के कारण पहचाना भी जाता है। किसी के दबाव में भी आप आना पसंद नहीं करते, भीड़ का हिस्सा बनना आपको पसंद नहीं, आप में कॉन्फिडेंस भरपूर है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हैं, जैसे आप उस काम में एक्सपर्ट हो या आपके लिए वो टास्क बाएं हाथ का खेल हो। इमोशनल तो हैं आप, गुस्सेल भी आप बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी आप शांत भी कर लेते हैं अपने गुस्से को। लेट लतीफ होते हैं, समय के पाबंद नहीं हैं आप, अपनी मर्जी चलाने वाले होते हैं, अपने हर काम में जल्दबाजी करते हैं, हर जगह लेट पहुंचना आपकी जैसे आदत सा बन जाता है। आप लोगों की लाइफ में पैसे की तंगी कभी नहीं रहती, आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से पैसों का इंतजाम हो ही जाता है, आपका काम कहीं रुकता नहीं है, आप अपने बल पर पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं। आप लोगों की पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव होती है, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं, जिस कारण आपके कई प्रेम संबंध देखने को भी मिलते हैं, लेकिन आपके एटीट्यूड के कारण ज्यादा समय तक आपके प्रेम संबंध टिकते भी नहीं हैं। थोड़े शक्य स्वभाव के भी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आगे बढ़कर प्रेम का इजहार नहीं करते, रोमांटिक होना आपके स्वभाव में नहीं है, लेकिन आप धोखा नहीं देते अपने पार्टनर को, सतर्क रहते हैं अपने पार्टनर के लिए कि कहीं वो धोखा ना दे दे आपको, इसलिए आप उन पर बेवजह शक भी करते रहते हैं। वहीं 19 के अंक की महिलाओं की बात करें, व्यवहारिक रूप से दिखने में जितनी कठोर दिखती हैं, अंदर से उतनी ही उदार और भावुक भी होती हैं। इनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक गुजरती है, पति पर हुक्म चलाने वाली होती हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहती हैं। कई बार देखा भी गया है कि प्रेम में पड़कर शादी करने की ये लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन बाद में पछताती भी हैं। ये लोग अपने पति के हर काम में मीन मेक निकालने वाली, उनके हर काम से नाखुश रहने वाली होती हैं, लेकिन जब अच्छे मूड में होती हैं तो किसी भी हद तक जाकर उनको पूरा सहयोग भी करती हैं। एक अंक यानी कि सूर्य, राजा, शक्ति का प्रतीक, सेल्फ रिस्पेक्ट, लीडिंग पावर, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपने अंदर की पॉजिटिविटी को दर्शाने वाले लोग। 9 नंबर मंगल, सेनापति। मंगल यहां आपको जुझारू बनाता है, मेहनती बनाता है, जुनूनी बनाता है। सूर्य और मंगल दोनों के मिलने से हम ये कह सकते हैं कि एक राजा और एक सेनापति दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही मेल प्लैनेट्स हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, मिलकर काम करेंगे बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों को अपना बाहुबल दिखाने का पूरा मौका मिलता है, लेकिन यहां आप बहुत ही ज्यादा इगोस्टिक हो जाते हैं, अपने मान सम्मान को बहुत ही ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर दिखाने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी आप किसी से खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लोगों पर अपना रौब दिखाकर अपना काम निकलवाते हैं। लोग आपसे डर कर आपकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन आपसे ज्यादा बात करने में हिचकिचाते हैं। वैसे तो आप अंतर्मुखी हैं, लेकिन जब भी आप लोगों के बीच में आते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 19 का ये अंक 1 और 9 से मिलकर बना है, जोड़ हो गया 10 और फिर से मूलांक आ गया 1, यानी कि यहाँ पर 2 सूर्य और 1 मंगल, तीनों की गर्मी यहाँ पर है। आपको अपने अंदर की गर्मी को शांत करना होगा, अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा, इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लोगों से खुलकर हंसना बोलना होगा, अपने शरीर पर ठंडक देनी होगी,
जितनी शरीर पर आप चांदी धारण कर सकते हैं कीजिए। जितना ज्यादा अपने शरीर और दिमाग को ठंडक देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। 19 का ये अंक कार्मिक डेप्थ नंबर भी माना जाता है। ये अंक इस जीवन में आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कोई ऋण आपका बाकी रह गया है, इसीलिए आप इस 19 के अंक के साथ इस दुनिया में आए हैं। 19 अंक वालों को परमात्मा ने राजा की तरह रखा, इन्हें पावरफुल बनाया ताकि आप लोगों का कल्याण कर सके। लेकिन पिछले जन्म में आपने अपनी इस पावर का कहीं ना कहीं जरूर गलत इस्तेमाल किया होगा, तभी फिर से आपको ईश्वर ने इसी 19 के अंक के साथ जन्म दिया। अपने पिछले जन्म की गलतियों को सुधारें और भूल कर भी अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। इस जन्म में ईश्वर ने आपको क्या चैलेंज दिया है, आइए जानते हैं। एक्चुअली आपने अपने आप को खुद ही एक घेरे में कैद कर लिया है। आप लोगों में ईगो बहुत ही ज्यादा होती है सूर्य और मंगल के कारण। आप लोगों को लगता है कि आप अपने दम से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, यू आर द ओनली वन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके लिए यहां यही चैलेंज निकल कर आता है कि आप अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते, दूसरे की लाइफ को कोई वैल्यू नहीं देते, आप अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, दूसरों पर विश्वास तक नहीं करते। आपका ये मानना कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, ये गलत है। आपको हर कदम पर दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। आपको क्या दुनिया के हर प्राणी को दूसरों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहती है। और इस चैलेंज का सीधा सा सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों से वैसा ही सलूक करें जैसा आप दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उन्हें भी पूरी रिस्पेक्ट दीजिए। आपको अपनी इस फॉल्स ईगो से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बल्कि आपके अंदर आपको अकेलापन ला कर देगा और कुछ नहीं। आप सबसे धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। आप जो अपने अंदर ये भ्रम पाल कर बैठे हैं कि मुझे दूसरों की कोई जरूरत नहीं है, इससे अपने अंदर से आपको निकालना होगा। हर कदम पर आपको दूसरे लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, लोगों को भी आपकी जरूरत है। आप अकेले कुछ भी नहीं हैं, इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप पूर्व जन्म में बिलीव नहीं भी करते हैं तब भी 19 का ये अंक आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट करेगा ही करेगा। आप लोगों की दोस्ती व कंपैटिबिलिटी सबसे अच्छी होती है मूलांक 2, 4 और 7 वालों के साथ। आपका शुभ दिन है रविवार और सोमवार, यानी कि संडे और मंडे। आपकी शुभ तिथि है 1, 10, 19 और 28। आपके लिए शुभ रंग है गोल्डन कलर, येलो, लाइट ब्राउन और गोल्डन ब्राउन। कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।